हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीड़े हम थापे, तुमरी कृपा से हम सजे हैं, नहीं तो मोसो लाख करोड़ पड़े हैं। सतगुरु सजे पाछा तीन लोक के स्वामी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमेश जी की असीम असीम कृपा के कारण और इसी कृपा को साथ लेकर के हजूर के आशीर्वाद लेकर के साथ संगत पिछले दिनों नॉर्थ अमेरिका के कुछ शहरों में निरंकारी यूथ सिंपोजियम की तैयारी के लिए जाना हुआ और साथ संगत अभी बहन अनु टंडन जी ने आपके चरणों में वहाँ के धनंकार दी है, लेकिन धनंकार तो फिर दोबारा दी जा सकती है। तो आप नॉर्थ अमेरिका, जो अमेरिका यूएसए और कनाडा दो देश हैं, वहाँ के सभी संतों की सदगुरु सच्चे पाशा के चरणों में धनंकार, आप सभी संतों के चरणों में धनंकार जी। और साथ संगत क्या हसीन समा, गुरसिख नू जा गुरसिख मिलदा वेख के चा चढ़ जाते ने, एक दूजे दे पैरां उत्ते नीहां सीस झुकांदे ने। और ये सिलसिला साथ संगत सिर्फ एक जगह का नहीं है, एक स्थान का नहीं, एक प्रदेश का नहीं, एक देश का नहीं, आज पूरे विश्व में यही साथ संगत प्यार और भक्ति की बहार स्थान बना चुकी है। कनाडा से अभी जोबनदीप जी को भी हमने सुना, ये सारी की सारी एनवाईएस की टीम है जो धीरे धीरे आपके समक्ष आ रही है। और ये पूरा टूर हजूर का जो अब ये प्रारंभ हो रहा है, ये कल्मिनेट होते होते 1, 2 और 3 सितंबर को टोरंटो में जो निरंकारी यूथ सिंपोजियम का एक विशाल विशाल रूप सजने वाला है, उसको भी साथ संगत उसका साक्षी होगा। और 4 तारीख को किस प्रकार से वो नॉर्थ अमेरिका का भी एक विशाल समागम, जहाँ हजारों की संख्या में संतों ने सदगुरु के आशीर्वाद प्राप्त करने हैं और पूरे विश्व के अंदर ये संदेश देना है कि लोगों हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्योपारी, किसी से वैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं किसी प्रकार का, ना भाषा का, ना जाति का, ना पाति का, ना मान्यताओं का, ना देश का, किसी और प्रकार का साथ संगत बंधन नहीं, दीवार रहित संसार, जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमको एक स्लोगन दिया, अ वर्ल्ड विदाउट वॉल्स ब्रिजिंग ह्यूमैनिटी पीस बाय पीस, उसी के साथ संगत अभिव्यक्ति का एक एक कदम बढ़ता हुआ उस तरफ। और वहाँ भी साथ संगत अभी जिक्र तो हो रहा था कनाडा का भी, और कनाडा का जिक्र के साथ साथ कभी महात्मा अपनी बात भी सुना रहे थे, बाशी जी ने सबके वीज़े भी माफ़ करवा दिए। वैसे साथ संगत कोई मुश्किल नहीं है, एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे 50-60-70 साल की उम्र, चले गए वीज़ा काउंटर पर, अब वीज़ा जो लगा रहा था ऑफिसर, उसने कहा पापा जी कितने टाइम का वीज़ा दें, वो कहता पुत्र 1 घंटे का दे दे वापस मुड़ के किन्ने आना है। तो सारे प्रतीक्षा कर रहे सच्चे पाशाह, आप 1 घंटे की इजाजत दे दो, सारे वहां पहुंच जाएंगे। और लेकिन सत्संगत हमें ऐसे ऐसे रूप दे दिए हजूर ने कि लाइव भी हम देख पाते हैं समागम, सारा विश्व देख पाता है इन समागमों को, और वसुधैव कुटुंबकम का ये एक सुंदर रूप बन जाता है। वहाँ भी सत्संगत जिन जिन महात्माओं के दर्शन हुए, जिन युवाओं के पास बैठ करके चर्चा भी हुआ, एक एक के मन में बस यही आस, यही मुराद कि जैसा जैसा सदगुरु के आज वचन आ रहे हैं उनको अपने जीवन में ढालते चले जाएं, उनके ऊपर अपना जीवन आधारित करते चले जाएं, क्योंकि सब ये मान चुके हैं, एक एक गुरसिख सत्संगत ये विश्वास रखता है कि हर मुश्किल का हल सदगुरु है, कल भी सदगुरु सी आज भी सदगुरु है। सदगुरु माता जी के और निरंकारी राजपिता जी के एक एक जो वचन आते हैं उनका अनुसरण करने का सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, अपनी तुतली वाणी के अंदर साथ संगत, भाषा कोई भी हो, चाहे पंजाबी हो चाहे अंग्रेजी हो, वहाँ पर कुछ दक्षिण भारतीय भी महात्माओं से मिलना हुआ, कुछ गुजरात के भी प्रदेश से गए हुए, हर एक के मन में अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से यही भाव निकल के आ रहे थे कि हम किस प्रकार अपने अपने जीवन को सुधारते हुए इस संसार की बगिया को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। आपने संदेश दिया कण कण से शिक्षा का,
मजे मजे की बात, बैठे हुए थे एक डिनर टेबल के ऊपर और कुछ नौजवान बैठे थे, कहने लगे भैया आओ चलो कणकण से शिक्षा लेते हैं, ये सामने एक बाउल पड़ा है जिसमें सब्जी है इससे भी शिक्षा लेते हैं, और मिल करके बैठ गए 10-12 हम सब बैठे थे। एक एक ने बताना शुरू किया कि सब्जी के इस कटोरे में, इस बाउल में क्या शिक्षा है। एक ने कहना शुरू किया, क्योंकि आपने नज़र दे दी है सच्चे पाशाह, एक ने कहना शुरू किया इसमें बहुत सारे मसाले हैं, सभी मसाले मिल करके ये स्वाद दे रहे हैं, एक मसाला काम नहीं कर सकता, एकता का संदेश मिल रहा है। एक ने कहा मसाले तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मिर्ची ज़्यादा हो गई तो स्वाद नहीं आएगा, सबका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, उचित मात्रा में, अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वहाँ से शिक्षा ली। अब आप भी अपने मन मन में सोच रहे होंगे कि उस कटोरे से क्या क्या शिक्षा ली जा सकती है। वही वहाँ पर सिलसिला चलता रहा कि ये कितनी देर पक करके बना होगा व्यंजन, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गड़ा रुत आए फल होए, मेहनत करनी है, उद्यम करना है तभी फल आता है जीवन के अंदर, ये शिक्षा मिली। अच्छा ये कटोरा बहुत गर्म गर्म होगा जब आया था तो फिर क्या करते, इसको आधार चाहिए, कुछ नीचे एक प्लेट चाहिए, कोई आधार चाहिए। ऐसे ही हमें इस निरंकार का, सदगुरु के शब्दों का आधार चाहिए जीवन के अंदर, ताकि वो हमें संभाल सके। अच्छा अगर मसाला ज्यादा हो जाए तो क्या करें, पानी डाल दें। मसाला ज्यादा हो जाए तो क्या करें, एक महात्मा ने, एक नौजवान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया वहीं पर, कहते हैं साथ में चावल पड़े हैं, रोटी पड़ी है, रोटी के साथ लगा दो मसाला कम लगेगा। अब ये रोटी क्या है, ये रोटी हमें सच्चे पातशाह ने जो वर्ड दिया ना, बेनिफिट ऑफ द डाउट, वो बेनिफिट ऑफ द डाउट है, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट लगा ले, किसी का स्वभाव कड़वा है ज्यादा गर्म है कोई बात नहीं, बेनिफिट ऑफ द डाउट लगाया बड़ा स्वाद लगेगा, एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दे हर एक को, हर एक के जीवन से कुछ ना कुछ सीखते चले जाएं। ऐसी सुंदर आपने सच्चे पातशाह एक सिलसिला बना दिया है, जहां बैठते हैं आपकी बातें होती हैं, आपके संदेश की बातें होती हैं, और सभी वहां आंखें बिछाए, आपने सुन लिया बहन अनु जी से, पलके बिछाए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सच्चे पातशाह आप पधारें वहां पर, और एक शेर दास को कहा है आपके समक्ष पढ़ने के लिए वहां के महात्माओं ने, सच्चे पातशाह ये कह कह के हम, ये उनकी तरफ से है जी, दास तो वापिस ही आया वहां से, सभी ने ये शेर भेजा है कि ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं वो अब आ रहे हैं, वो अब चल चुके हैं वो अब आ रहे हैं। सच्चे पातशाह आप जी वहाँ सभी को, खूब सारे प्रतीक्षारत संतों महात्मा को हजारों की संख्या में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हम सब की तौफीक दे करके जाना कि जैसा जैसा आप जी के शब्द आए वैसे वैसे पीछे भी अनुसरण करते हुए अपनी अपनी भक्ति को निभाते चले जाएं। प्यार से कहिए।